नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में खेल रत्न पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे, जिसे कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किया है। यह जो पुरस्कार है, यह प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर प्रदान किया जाता है, परंतु इस वर्ष जो है टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होने के कारण जो है यह इसका जो आयोजन है वह लेट किया गया है। इसका जो पहले नाम था वह राजीव गांधी खेल रत्न इसका पहले का नाम था, बाद में जो है इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो है 1991-92 में हुई थी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो प्राप्तकर्ता हैं वह शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं, जिन्हें 1991-92 के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वक्त खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। इस वर्ष कुल 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न प्रदान किया गया है। वो 12 खिलाड़ी कौन कौन है, आइए हम लोग जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और यह जो है एक जेवलिन थ्रोवर है। रवि कुमार दहिया जो है यह कुश्ती संबंधित हैं। लवलीना बोर गोहेन मुक्केबाजी संबंधित हैं। PR सृजेश यह हॉकी प्लेयर हैं। अमन लेखारा पैरा शूटिंग संबंधित हैं। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रमोद भगत जो है यह पैरा बैडमिंटन संबंधित हैं। कृष्णा नायर पैरा बैडमिंटन संबंधित हैं। मनीष नरवाल एक पैरा शूटिंग हैं। और मिताली राज जो है यह महिला क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रही हैं। सुनील छेत्री एक फुटबॉलर हैं और मनप्रीत सिंह जो है यह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग खेल रत्न पुरस्कार संबंधित प्रमुख बिंदु कवर कर लिए हैं। यह पुरस्कार 29 अगस्त को हर वर्ष प्रदान किया जाता है और यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर इसे प्रदान किया जाता है और इसकी पुरस्कृत राशि जो है वह 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। इसके साथ एक पदक और एक सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और 2021 में जो है यह कुल 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार सभी प्रमुख बिंदु कवर कर लिए हैं हम लोग। इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, आइए हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे चार स्टेटमेंट है। पहला जो स्टेटमेंट है, मेजर ध्यानचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार विश्वनाथन आनंद ने प्राप्त किया था। तीसरा जो कथन है, इसके अंतर्गत पुरस्कृत राशि जो है वह 25 लाख रुपये है और इस वर्ष कुल 12 लोगों को खेल रत्न दिया गया है। इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 2, 3, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में नहीं हुआ था बल्कि इलाहाबाद में हुआ था और वर्तमान में इलाहाबाद जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वह प्रयागराज में हुआ था और प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार वह विश्वनाथन आनंद जी ने प्राप्त किया था और वर्तमान में जो इसकी पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए दिया जाता है और 2021 में कुल 12 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी वह सही है। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूँगा, आप लोग इसे लेकर इसका रिविजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।